नितिलेश जी बताइए, इस वक्त बस एक आखिरी एक घंटे बचे हैं ट्रेड के, मौके कहाँ पर देख रहे हैं आप, कोई एक्शन नजर आ रहा है स्टॉक स्पेसिफिक? देखो बजाज फिंसर्व मुझे अच्छा लग रहा है, डीडी चार्ट के ऊपर इन्वर्टेड ट्रेंड शोल्डर का ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको वेट कर रहा हूँ। 1607 1608 ये लेवल के ऊपर अगर ये निकलता है तो 1580 के स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसमें लॉन्ग इनिशिएट करेंगे और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 1660 से लेकर 1670। इसमें एक दो दिन और लग सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन प्राइस का एक्सेप्टेंस होना जरूरी है 1607 1608 के लेवल के ऊपर टिकना चाहिए। 1608 के ऊपर अगर टिके तो ऊपर की तरफ 1660 1670 तक ये जा सकता है। तो बजाज फिनसर्व आपकी राय है। कपिल जी आप बताइए, आपकी क्या दो टॉपिक, दो नए कॉल्स दीजिए। जी फिलहाल तो मेरे पास एक ही है, अगेन मार्केट 3 दिनों से लगातार ऊपर जा रहा है लेकिन वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड मार्केट रही हुई है, बिहाइंड द मार्केट काफी था, काफी सारे सेक्टर्स में सेलिंग प्रेशर है और इसमें से पीएसयू बैंक्स में हम लगातार एक देख रहे हैं कि एक सेलिंग प्रेशर बनाया हुआ है। आज की तारीख में अभी भी मैं 14 पीएसयू बैंक्स के काउंटर देखता हूँ तो सभी के सभी स्टॉक्स नेगेटिव में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा कैनरा बैंक पे पिक बनता है 117 के लेवल पे शॉर्ट साइड, और नीचे में अगर मैं एक ही घंटे के लिए ट्रेड देखता हूँ तो नीचे में मुझे 115 के डाउन साइड के पोटेंशियल देखने मिलता है, तो 2.25 रुपए का यहाँ पे पेन हो सकता है। और ऊपर में अगर जो इसके मैं स्टॉप लॉस प्लेस करता हूँ तो खाने का 118.50 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस बैठेंगे कैनरा बैंक पे शॉर्ट कर दूँ करने की सलाह। 2 रुपए तक की गिरावट यहां से आ सकती है और 118 के ऊपर का स्टॉप लॉस यहां पर लगा लें। पीआई इंडस्ट्री ये स्टॉक भी ऊपर है करीब 1% और यहां पर कुछ सुबह रिपोर्ट्स भी आई थी, पॉजिटिव रिपोर्ट्स थी जिसमें कि 5000 के ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिल रहे थे। स्टॉक में तेजी आई थी लेकिन अभी थोड़ा ऊपर ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। नितिलेश जी क्या सलाह होगी आपकी पीआई इंडस्ट्रीज में मौजूदा स्तर के आपको अच्छे लग रहे हैं एंट्री लेने के लिए? स्टॉक में एक बढ़िया करेक्टिव मूव हमें देखने को मिला था लेकिन अभी जो पूरा का पूरा जो रैली था वो फिजल आउट हो चुका है, तो अभी हम लोग इसमें एक प्लान करेंगे अगर ये काउंटर फिर से 3850 3860 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो हम लोग 3800 मतलब जो गैप वाला एरिया है उस गैप के एरिया के साथ लॉन्ग इनिशिएट करेंगे 3850 3860 के हिसाब से। और ऊपर में पहला जो टारगेट हम लोग प्लान करेंगे वो होगा 3980 मतलब मोटा मोटी अगर हम लोग 4000 पकड़ के चल सकते हैं। ब्रेकआउट अच्छा है लेकिन फिर से कंडीशन होगा अगर यहाँ से कुछ मोमेंटम पिकअप होता है 3860 के ऊपर तो एक बढ़िया तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर आया है लेकिन कुछ और स्टॉक्स पे नजर डालते हैं। चंबल फर्टिलाइजर डेरिवेटिव मार्केट का स्टॉक है, 4% नीचे है। हैवेल्स में भी आज कमजोरी है 4% के आसपास। इन दोनों पर नितिलेश जी चंबल फर्टिलाइजर और हैवेल्स पर क्या राय है? देखो चंबल फर्टिलाइजर को मैं देख रहा था थोड़ा सा हायर लेवल के ऊपर जो गैप ओपनिंग हुआ था कुछ जीएसटी की न्यूज की वजह से तो वहां से एक फिजल आउट होते हुए देखने को मिला है, तो अगर फिर से ये काउंटर 510 515 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे एक मोमेंटम बनेगा, तो अगर नहीं होता है 490 के नीचे कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है तो फिर से वो अपना जो पुराना लेवल है 450 460 ये लेवल तक फिसल सकता है। एक्चुअली ये शॉर्टिंग कैंडिडेट था लेकिन हायर लेवल से ऑलरेडी ये गिर चुका है तो इसको अवॉइड करके 510 क्रॉस होते ही इसको हम लोग लॉन्ग की तरफ देखेंगे। व्यू है चंबल फर्टिलाइजर को लेकर। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नजर डाल लेते हैं। इंटेलेक्ट को बताइए, इंटेलेक्ट कैसा दिख रहा है कपिल जी आपको? 575 के आसपास है आज कमजोरी दिख रही है यहाँ पे 3.5% के आसपास। इंटेलेक्ट डिजाइन 1042 के आसपास है, माफ कीजिएगा, क्या लग रहा है यहाँ पर? जी आईटी सेक्टर्स में बेसिकली ओवरऑल मोमेंटम तो है लेकिन इस स्टॉक में थोड़ा सा मैं रेंज बाउंडनेस देख रहा हूँ। ऊपर में स्टॉक प्राइस कहाँ कहाँ पे 1125 पे रेजिस्टेंस लेता है और नीचे में स्टॉक प्राइस 1050 के यहाँ पे सपोर्ट हमने देखने मिला था 1030 के लेवल के यहाँ पे, तो अपने लोअर बैंड के तो यहाँ पे है थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बनता है लेकिन यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि वो सपोर्ट लेवल होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1030 का सपोर्ट अच्छा है लेकिन आने वाले दिनों में अगर मुझे कुछ यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल देखने मिलती है या फिर आज की कैंडल का हाई ब्रीच होते हुए देखने मिलता है तो मैं बाय का व्यू बनाऊंगा लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मैं वॉच आउट करूंगा कि सपोर्ट कपिल जी इसके चार्ट को देखकर बताइए एयू स्मॉल को।
एयूबैंक ने बीच में कल 2 दिन पहले एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया था, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट लग रहा था, क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स भी काफी अच्छे चल रहे थे, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी लिया था, उसकी वजह से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट था। लेकिन आज के ब्रेकडाउन की वजह से ये सिनेरियो एक बुल ट्रैप में तब्दील हो गया है। 666 के लेवल के यहाँ पे स्टॉक प्राइस चल रहे हैं, थोड़ा सा वीकनेस ऑलवेज में हो सकती है, लेकिन जो इसके नीचे के सपोर्ट लेवल है 645 के लेवल के यहाँ पे, तो मुझे वो सपोर्ट लेवल स्टॉक के काफी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि काफी सारे मूविंग एवरेज भी वहां पे कोइंसाइड कर रही है। तो 20-1 रुपए का इस स्टॉक में मैं और पेन देख रहा हूँ, और 645 इमीडिएट सपोर्ट लेवल हो सकता है। बिल्कुल, तो ये है सलाह एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पर। केसी इंटरनेशनल का चार्ट देखिए, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर के पास कारोबार कर रहा है इस वक्त, और पिछले एक महीनों में शानदार तेज़ी, धीरे धीरे करके 17% की तेज़ी ये स्टॉक दिखा चुका है, और अब 900 के पास ये स्टॉक आ चुका है। कपिल जी, क्या सलाह होगी केईसी इंटरनेशनल पर? 950 का लेवल्स आया, उसके बाद थोड़ा नीचे आ गया है स्टॉक, 900 के पास अब कारोबार कर रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए केईसी इंटरनेशनल में? जी बेसिकली यहाँ पे ट्रेंड तो ऑफकोर्स पॉजिटिव में है। 2 हफ्ते पहले स्टॉक ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनाई होती, और अभी के जो 2 हफ्ते गए हुए हैं वहां पे प्राइसेस थोड़े से कंसोल कर रहे हैं, तो प्राइस ने फिर से एक ऊपर के लेवल पे आज गए थे, और वहां से सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिली हुई है। ओवर एक्सटेंडेड है, टॉप से थोड़ा सा रिएक्ट भी कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए स्टॉक में। और नीचे में इसके जो मैं सपोर्ट लेवल देखता हूँ, तो कहाँ ना कहाँ पे 860 से लेकर 870 की रेंज में बैठते हैं, तो 860-870 की रेंज में आ जाए तब जाके इसमें कुछ हम पॉजिटिव व्यू बना सकते हैं। शॉर्ट टर्म का पेन अभी इसमें दिख रहा है। हाँ, थोड़ा नीचे भी आ रहा है ये स्टॉक, लेकिन 870 के पास आए तब यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। तो 950 का लेवल आया ज़रूर, लेकिन उसके बाद थोड़ा नीचे भी आया है ये स्टॉक, और 870 के पास आप एंट्री लेने की सलाह स्टॉक में। काफ़ी दबाव है, PNB करीब करीब 4.25% की गिरावट यहाँ दिख रही है, बैंक ऑफ इंडिया भी 2% कमज़ोर है, यूको, यूनियन, बैंक ऑफ बड़ौदा सब में भी 1-1.5% के आसपास की गिरावट दिख रही है। नितिलेश जी, PSU बैंकों में जो ये गिरावट है, क्या करना चाहिए आज? तो यहाँ से थोड़ा सा और अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, PNB हो गया या फिर और भी पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, तो वहां पे थोड़ा सा पैनिक और देखने को मिल सकता है। लेकिन लोअर एंड पे देखना पड़ेगा कि मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट अच्छे लेवल को होल्ड करता है तो डेफिनेटली वहां पे बाइंग करने का भी मौका देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी करेक्शन आएगा इन बैंकों में तो एक खरीदारी का ही मौका होगा, लेकिन अच्छे लेवल के ऊपर हमें देख के पोजिशंस बनानी पड़ेगी, वेट करना चाहिए नई खरीदारी के लिए। आप सरकारी बैंकों पे कुछ कहना चाहेंगे कपिल, आपकी राय? जी बेसिकली इन दिनों में हम जो देख रहे हैं और मैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ की एनालिसिस कर रहा हूँ, तो वहां पे पीएसयू बैंक्स काफी टाइम से लैकलस्टर मोमेंट में है। PNB का जो पर्टिकुलर स्टॉक है मेरे रडार में है, तो जो उसने काफी टाइम पहले 142 का हाई लेवल बनाया था, वो मल्टी ईयर का एक रिएक्शंस लेवल था, और वहां से ही हमें रिएक्शन आते हुए देखने मिल रहा है, और लो टाइम फ्रेम पे एक टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बना रहा है। तो 119 पे चल रहा है हमारा ऑलरेडी, 123 के यहाँ पे सेल का व्यू बना था स्टॉक में के लिए, 115 के टारगेट के लिए। लेकिन अगर ये स्टॉक 115 के नीचे भी चला जाता है तो वो ऑफिशियली एक बेरिश ट्रेंड में आ जाएगा, और इसके बाद में जो बाकी की जो नीचे में जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी वो हमें कहा ना कहा 95 पे देखने मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा वीक होते हुए PSU बैंक में चल रहा है। प्राइवेट बैंक पे अभी थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू होगा, पब्लिक सेक्टर बैंक पे नेगेटिव व्यू होगा।